जमशेदपुर के एडीएम नंद किशोर लाल जमशेदपुर, नोटिफाई एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के साथ जुबली पार्क पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने पार्क में पिकनिक मनाने पहुंचे सैलानियों को मास्क लगाने और पार्क में खाना नहीं खाने की अपील की है। विदित रहे कि लगातार पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सार्वजनिक स्थलों पर औचक जांच और जागरूकता अभियान चला रही है, साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव की अपील भी कर रही है। जुबली पार्क में हम लोग यही देख रहे हैं, जो बिना मास्क लगाए हुए हैं उसके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। कई को जिसको का टीम लगा हुआ है, हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस बल लगी हुई है, अलग अलग चक्कर में हम लोग अलग अलग जगह पे पुलिस बल दे रखे हैं, टेस्टिंग टीम दे रखे हैं, ताकि लोग मास्क का उपयोग करें। घूमना है जुबली पार्क, घूमने के लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन नियम से घूमें, ये हम लोग इस पर उसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार एरिया में घूम रहे हैं, हमारे पदाधिकारी और जुस्को के पदाधिकारी लोग, जुस्को के गार्ड सभी कोई लगा हुआ है, और इस पर जो हम लोग कड़ाई कर रहे हैं ताकि लोग मास्क लगाएं, क्योंकि जिस तरह से कल 13 केसेस आए हैं और ये केसेस अब बढ़ेंगे, और जिस तरह से बढ़ने की रफ्तार है, मतलब कई जगह झारखंड के अन्य जगह पे कोडरमा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, परसों रेलवे स्टेशन में 4 केसेस मिले, और जनरली बंगाल से आने वाले लोगों पे इस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग इस चीज़ को बारीकी से देखते हैं। यहाँ घूमने वाले जनरली बंगाल के लोग आते हैं, उसी को देख करके इस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।